अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक वाटर टेस्ट करेंगे शॉमी मी पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर मिनी का। कंपनी इसको वाटरप्रूफ क्लेम करती है और आज हम इसको चेक करते हैं कि वाकई वाटरप्रूफ है या नहीं। इसको हम 5 मिनट के लिए पानी में रखेंगे और उसके बाद इसको साउंड चेक करेंगे इसका कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं, या वर्किंग करता है या नहीं। अभी पहले इसको ऑन कर लेते हैं, स्विच ऑन करके पहले इसको हम कनेक्ट करके इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं और अभी इसका साउंड चेक करते हैं। अभी इसको हमने कनेक्ट कर लिया है मोबाइल के साथ और इसका अभी साउंड चेक कर लेते हैं। तो ये अभी प्रॉपरली वर्किंग में है, वर्किंग कंडीशन में है। अभी इसको हम वाटर टेस्ट करते हैं। इसको 5 मिनट के लिए पानी में रखेंगे और हम चेक करेंगे कि ये पानी में रखने के बाद काम करता है या नहीं। एक बाउल ले लेते हैं, बाउल में इसको रख लेते हैं। अभी स्विच ऑन ही है, वाटर कनेक्टेड है मोबाइल के साथ। अभी इसमें हम पानी डालते हैं। बाउल को हमने पानी से भर लिया और ये थोड़ा सा ऊपर फ्लोट कर रहा है। और अभी हम इसके साथ टाइमर भी रख लेते हैं। टाइमर ऑन कर लेते हैं हम 5 मिनट के लिए, 5 मिनट टाइम हमने ऑन कर लिया 5 मिनट का, और देखते हैं कि 5 मिनट के बाद ये दोबारा वर्किंग करता है या नहीं। अब ये फ्लोट कर रहा है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर दबा देता हूँ ताकि इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, जहाँ पे जिस साइड पे स्पीकर है, वो पानी के अंदर डूब जाए। अभी पूरी तरह ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो 5 मिनट के लिए हमने इसको पानी के अंदर रख दिया है और 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अभी इसको चेक करते हैं कि ये दोबारा वर्किंग करेगा या नहीं। अभी सबसे पहले इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं, टिश्यू पेपर से इसको ड्राई कर लेते हैं, पानी इसका खुश्क कर लेते हैं। बाउल को साइड पे कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो इंडिकेटर लाइट है, इंडिकेशन लाइट अभी तक ऑन है। और इसका भी चेक कर लेते हैं, जो चार्जिंग पोर्ट है उसके अंदर पानी गया है या नहीं गया, उसको भी ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो ये अंदर से बिल्कुल ड्राई है, यहाँ पे पानी बिल्कुल इसके अंदर नहीं गया चार्जिंग पोर्ट वाली साइड पे। और बाकी इसको हमने खुश्क कर लिया है और इसका एक बार फिर, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है मोबाइल के साथ, और इसका साउंड एक मरतबा फिर चेक कर लेते हैं साउंड प्ले करके।
चेक कर लिया, साउंड इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चल रहा है और कोई इसके साउंड में फर्क नहीं आया। इसको स्विच ऑफ करते हैं और इसका भी चार्जिंग टेस्ट कर लेते हैं कि चार्जिंग भी इसकी ठीक है या चार्जिंग में कोई मसला आया इसका वाटर टेस्ट के बाद। तो इसको चार्ज करके देख लेते हैं हम। अभी इसकी लाइट ऑफ है, ये जो चार्जिंग के साथ में भी इसको ये ऑन हो जाए। अभी चार्जर कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं इसकी ऑरेंज लाइट ऑन हो गई है, जिससे पता चल रहा है कि इसकी चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई है। मतलब जो कंपनी क्लेम करी है IP67 वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ इस स्पीकर को क्लेम करी है कंपनी, वो बिल्कुल ठीक क्लेम कर रही है। 5 मिनट के लिए हमने इसको पानी में रखा है, इसमें से किसी किस्म का कोई बबल नहीं निकला, जिससे पता चलता है पानी इसके अंदर नहीं गया। इसका हमने साउंड भी टेस्ट कर लिया है पानी से निकालने के बाद। 5 मिनट तक हमने रखा है इसको पानी में। इसकी हमने चार्जिंग भी चेक कर ली है, चार्जिंग भी बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो कंपनी का जो क्लेम है IP67 वाटर प्रूफिंग का, वो बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल एक वाटर प्रूफ स्पीकर है, आप इसको बारिश में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अगर ये पानी में गिर भी जाता है आपसे तो इस पर कोई असर नहीं होगा। साउंड भी इसका बिल्कुल हमने दोबारा चेक किया है वाटर प्रूफ टेस्ट के बाद और वो बिल्कुल ठीक है। तो ये आज का हमारा एक वाटर प्रूफ टेस्ट था Xiaomi Mi पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर मिनी का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।